तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर की एक बहुत ही नई तरह की सब्जी, जो है पनीर अंगारा। तो अंगारा इसे इसलिए कहते हैं, जो हमारा लकड़ी का कोयला है उसके धुएं से हम हमारी सब्जी को एक बहुत ही एकदम यूनिक स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं। तो ये जो धुआं इससे बनता है, इससे हमारी सब्जी को एकदम यूनिक, एकदम अच्छा टेस्ट मिलेगा। आई एम श्योर ये सब्जी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पनीर का मैरिनेशन रेडी करेंगे। ये सब्जी को मैं अपने तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम 10 चम्मच जितना दही लेके, दही बहुत ज़्यादा खट्टा वाला हमें नहीं लेना है। इसके अंदर हम 2 चम्मच जितना बेसन डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा, 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला, आधा चम्मच जितना हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, इसका हम रस इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच जितना इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसके अंदर हम 500 ग्राम जितना पनीर डालेंगे। पनीर को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में इस तरह से काट लिया है। तो ये रेसिपी में फ्रेंड्स, हम सिर्फ पनीर डालने वाले हैं, कोई भी और सब्जी या कुछ भी नहीं डालने वाले, इसलिए पनीर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो पनीर को इस तरह से मैरिनेट करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक जो हमारा पनीर है वो सारे मसाले अपने में एब्सॉर्ब कर लेगा और वो बहुत ही जूसी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो गरम तेल में अब हम 4 कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस कट कर लिया था, जितने बारीक आप इसे काट पाए इसे इस तरह से काट लीजिए। और इसे हम ऑयल में डाल देते हैं। तो अब हम इसे 15 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा नहीं आ जाता, क्योंकि हम जो ग्रेवी बना रहे हैं फ्रेंड्स वो ब्राउन ग्रेवी है, तो उसका कलर इसी वजह से आएगा। तो इसे इसी तरह से आपको 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है, जब तक इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे बर्तन में 2 टमाटर उबालने के लिए रख दिए हैं। तो टमाटर को आपको इसी तरह से 15 मिनट तक उबालना है और इसे इसी तरह से ब्लांच करके लेना है। तो दोनों काम हम साथ में करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो अनियंस है वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। पूरी तरह इसे जला नहीं देना है फ्रेंड्स, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ताकि हमारी जो सब्जी है इसका कलर अच्छे से आ पाए। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अनियंस और टमाटर को अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। तो अनियन और टमाटर की मैंने पेस्ट यहाँ पे बना ली है, आप देख सकते हैं दोनों का कलर कितना अच्छा आया है। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच जितना खोया लिया है, जिसको दूध का मावा भी कहते हैं। तो यही है हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स। सारे रेस्टोरेंट वाले अपनी जो पंजाबी सब्जी बनाते हैं इसके अंदर ये खोया का यूज़ करते हैं। हम जनरली घर पे जब भी बनाते हैं सब्जी तो हम काजू की पेस्ट डालते हैं, पर जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो ज़्यादा इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें खोया डालते हैं। और ये खोया की रेसिपी भी फ्रेंड्स मेरी चैनल पे अपलोड की गई है। सिर्फ 3 मिनट में मैंने मिल्क पाउडर से खोया बनाया है, तो आप ये रेसिपी भी ज़रूर से देख लें। और फिर भी आपको अगर खोया नहीं मिलता तो आप इसके अंदर काजू की पेस्ट डाल सकते हैं। 15 काजू ले लीजिए और इसे 5 चम्मच दूध में अच्छे से भिगो लीजिए और फिर इसकी पेस्ट बना लीजिए। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच जितना अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे इस तरह से डालने से हमारा सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हमने जो अनियन की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो खोया लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। खोया ऐड करने से फ्रेंड्स हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी रिच बन जाती है। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे
और इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ऐड कर देंगे आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जितना गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा कप जितना हम पानी डालेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस ग्रेवी को हम कवर कर लेंगे और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑयल ग्रेवी से छूट चुका है और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है हमारी ग्रेवी का। अब इसके अंदर हम थोड़े से धनिया पत्ते डालेंगे और हमने जो पनीर का मैरिनेट प्रिपेयर किया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ जो बाकी का मसाला होगा दही वाला वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब इसके अंदर हम 1 बड़ी चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे 10 मिनट तक अच्छे से धीरे धीरे पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुकी है, हम लीड को खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी है। अगर आपको इसको धुआं के फ्लेवर नहीं देना तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पर मैंने लकड़ी का कोयला लिया है फ्रेंड्स, आपको लकड़ी का कोयला ही लेना है, ये ध्यान रखें। गैस को हम तेज़ आंच पे चालू कर लेते हैं और जो कोयला है इसे चारों तरफ से अच्छे से हम गरम कर लेंगे। तकरीबन इसे 5 मिनट तक इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से गरम हो जाए। तो कोयला हमारा गरम हो चुका है, अब इसे हमने इस तरह की एक कटोरी में ले लिया है और इसे सब्जी के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। तो जैसे ही घी डालेंगे बहुत सारा धुआं उठेगा फ्रेंड्स, तो तुरंत ही लीड को हमें बंद कर देना है और इसे हम 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे ताकि जो हमारी सब्जी है वो सारे धुएं को अपने में सोख कर ले और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा धुएँ वाला आ जाएगा। और ये प्रोसेस फ्रेंड आपको सर्व करते वक्त ही करनी है। तो 15 मिनट हो चुकी है, कटोरी को हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं और अभी फ्रेंड्स जो स्मेल आ रही है सब्जी में से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी स्मेल आ रही है धुएं की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर अंगारा की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप हमेशा गर्मा गर्म सर्व करें और आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ बटर रोटी के साथ। तो ये रेसिपी भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी रेसिपी दे दूँगी। और इसे आप इस तरह की बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये भी इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर वाली सब्जी आप घर पे ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।